महोबा के क्रेशर व्यापारी की मौत के मामले ने फिर पकड़ा दूर। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा के एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके मामले को पटाक्षेप करने पर आमादा हैं। वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के सबसे लोकप्रिय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य महोबा के मृतक व्यापारी के परिजनों से मिलने सांत्वना देने सड़क मार्ग से महोबा जा रहे थे। जैसे ही उनका चार पहिया वाहन सकरार थाना पहुंचा, पुलिस ने तत्काल उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें मऊरानीपुर कोतवाली लाया गया। ये खबर जैसे ही मऊरानीपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी, कांग्रेसियों का जमावड़ा शुरू हो गया और अपने चहेते लोकप्रिय नेता को रिहा करने की मांग करने लगे। करीब 5 घंटे बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में पुनः झांसी रवाना किया गया। बुंदेलखंड के लोकप्रिय नेता की हिरासत की खबर प्रमुख चर्चा का केंद्र बनी। मऊरानीपुर झांसी से मुकेश सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जा रहे थे आप? पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज, एक एक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न केवल आम आदमी वरन व्यापारी कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी आज सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से एक प्रतिष्ठित व्यापारी की, जिसने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी और रंगदारी ना देने के कारण उसकी हत्या की गई, और हत्या के पहले उसने पूरे देश के सामने अपनी जान बचाने के लिए एक मार्मिक अपील की थी और बताया था, वो अधिकारी सस्पेंड हो गए और आज सिर्फ उनके घर पर सांत्वना देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा था। और उसमें पहली बार ऐसा हो रहा आजाद हिंदुस्तान में कि किसी मरने वाले व्यक्ति के घर पे सांत्वना देने भी कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। हम शांतिपूर्वक वहाँ कवरेज जाना चाहते थे, इंद्रमणि त्रिपाठी के परिजनों से मिलना चाहते थे, जिसके लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं कि उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, असली अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज हमें यहाँ रोक लिया गया। कहाँ से आपको रोका गया? हमें झांसी से ही इस तरह का लग रहा था और हम लोग शांतिपूर्वक, केवल हम लोग दो लोग जा रहे थे और जाने के बाद हमारे साथ हमारे प्रिंस भाई भी थे और कोई राजनीतिक उसका रूप नहीं था। तो ऐसे में सकरार में पहले रोका गया और फिर सकरार से मऊरानीपुर लाया गया। तो हम तो यही चाहते हो, वही हमने अभी थाना जी से भी कहा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि हम लोग सिर्फ उनके घर पर, उनके जो बुंदेलखंड में एक प्रथा है, जो एक कहावत है, फेरा करने हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी जो जान गई है, न केवल उससे व्यापारियों में आक्रोशित है, न अकेले केवल एक समाज आक्रोशित है, पूरा का पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश आक्रोशित है। आप जा पा रहे हैं? हम पूरे कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें औसतन प्रतिदिन 10 से ज़्यादा हत्याएँ हो रही हैं, महिला अत्याचार हो रहे हैं, व्यापारी लुट रहे हैं। अगर हम देखें तो मेरठ में दुकान में घुस के गोली मार दी, गाजियाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर अपराध चरम अवस्था पे है। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर जो उन्हें रणनीति बनाना चाहिए वो रणनीति नहीं बना रहे। ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश के अंदर कहीं रिया का मुद्दा चल जाता, कभी कंगना का मुद्दा चल जाता, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे में, जहां लोग एक ओर कोरोना से मर रहे, दूसरी ओर अपराधियों से मर रहे, ऐसे में उन्हें देखना चाहिए और एक अलग से पूरी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो, और इससे तो उनकी नियत और नीति समझ में आती है। हम बैठने जा रहे हैं और बैठने जाने नहीं दिया जा रहा, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी। यदि आपको नहीं जाने दिया तो क्या करेगा? नहीं जाने दिया हम लोग।